Once upon a time in miraculous lady room, a man named Gabriel Alcaraz. अच्छा तो मैं ज़्यादा हो गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम बिलाल, आप देख रहे हैं बिलाल अग्रेस की यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं बताता हूँ, आज का वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज मेरे बहुत सारा काम है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, लेकिन मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँ इसीलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। तो जैसे कि ये आपने देखा होगा टाइटल में, हम आज हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ना 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 ना, बुक वाला हिस्ट्री नहीं, गैब्रियल अल्कारेज का। तो गौर से सुनिएगा, गौर से। अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लग रहा है उसका हिस्ट्री, मतलब कि मैं बताने जा रहा हूँ उसको मिराक्युलस कैसे मिला, उसने यूज़ क्यों किया और कैसे वो मोनार्क बना। मोनार्क कैसे बना तो सभी को बता होगा, फिर भी मैं बताऊँगा पूरा। तो प्लीज़ पूरा देखना, प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना और बेल अलार्म फ्रेंड को ऑन पे सेट कर देना, ताकि अगर मैं ऐसा कुछ वीडियो वापस से पोस्ट करूँ तो आप पहले पता चल जाए। और लाइक भी कर देना इस वीडियो में, क्या ना गरीब यूट्यूबर है, लाइक तो चाहिए ही हुआ ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक हस्बैंड, उसकी वाइफ और एक असिस्टेंट, तीनों रिसर्च करते करते उनको मिला एक किताब। अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। उनको किताब मिला होगा और वो किताब तो आप लोग को पता ही होगा, मिराक्युलस का किताब होता। और उस किताब के साथ लोग दो मिराक्युलस मिले थे, एक बटरफ्लाई का और एक पीकॉक का, ये सभी को पता होगा। बट वहाँ जो पीकॉक का मिराक्युलस मिला था, पीकॉक का मिराक्युलस टूटा हुआ था थोड़ा। फिर एक दिन उनके एनिवर्सरी में, मतलब गैब्रियल अग्रेस्ट और एमिली अग्रेस्ट की एनिवर्सरी में, गैब्रियल ने वो पीकॉक मिराक्युलस अपनी पत्नी को दे दिया यूज़ करने के लिए। अब टूटा हुआ मिराक्युलस यूज़ करने से तो बहुत महंगा पड़ सकता है, फिर भी उसने दे दिया क्योंकि उन लोग को नहीं पता था ये बात। तो फिर जैसे वो यूज़ करने लगी तो उसको धीरे धीरे बाद में बुखार उखार आने लगा और वैसे ही एक दिन वो मर गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। गैब्रियल को पता चला कि दुनिया में और भी मिराक्युलस है, जिसमें से दो सबसे खतरनाक मिराक्युलस, लेडीबग और कैट नोअर का, एक क्रिएशन एक डिस्ट्रक्शन का। और अगर दोनों मिराक्युलस को एक ही वक्त एक साथ यूज़ करे तो हमारी कोई भी एक विश पूरी होगी। तो ये बात उसको इकवामी नोरू ने बताई थी। तो उसके बाद वो बन गया हॉक वाथ और विलन बन गया वो। और अब वो अकोमेटाइज करता था सबको और लेडी बर्ड कैटवा का मिराक्युलस लेने की कोशिश करता था, क्योंकि वो अपने बीवी को वापस आए थे। लेकिन ये सिर्फ सीजन 3 तक रहा। और उसके बाद लेकिन सीजन 3 में हम लोग को पीकॉक मिराक्युलस भी दिखाया था, जो टूटा ही हुआ था। और मयूरा यानी कि हमारी नाटली उसके असिस्टेंस की यूज़ कर रही थी। और सीजन 4 में हमें दिखलाया कि वो मिराक्युलस उसने फिक्स कर लिया। और फिक्स करने के बाद सीजन 5 के एंडिंग में दिखाते हैं कि फिनिक्स के पास सारा मिराक्युलस का ये, मतलब कि उसका एलईडी का यो-यो है जिससे वो सारा मिराक्युलस दे सकता है उसको। तो उसने सौदा करके पीकॉक मिराक्युलस ले लिया और सारा मिराक्युलस उसको दे दिया। और उसके बाद पीकॉक मिराक्युलस फिनिक्स के पास है और कुछ बोलने तो बच्चा नहीं है, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। 4 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन चुका है और बनाना नहीं चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट करना है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।